जब माता यशोदा ने रसोई से बाहर आकर फूटी हुई मटकी और फैले हुए मक्खन को देखा तो नाराज होकर कृष्णा कृष्णा पुकारते हुए बाहर आती है। खोजते खोजते जब वह बगीचे में पहुंची तो वहां उन्होंने श्री कृष्ण को ओखली पर चढ़ा देखा। माता यशोदा ने गुस्से में आकर श्री कृष्ण को ओखली से नीचे उतारा और एक लंबी रस्सी से उन्हें ओखली के साथ बांध दिया। आज पूरे दिन तुम इसी तरह बंधे रहोगे, यही सजा है तुम्हारी। ऐसा कह माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अकेला छोड़ वापस घर में चली गई। कुछ ही देर में भगवान श्री कृष्ण ने उस भारी भरकम ओखली से बंधे हुए अपने शरीर को हिलाने का प्रयास किया। थोड़े से प्रयास में ही वे ओखली के साथ बड़े बड़े डग भरने लगे। कुछ ही देर में वे बड़े बड़े डग भरते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के किनारे दो अर्जुन के पेड़ थे जो आपस में जुड़े हुए थे। श्री कृष्ण ने उन दोनों वृक्षों के बीच से होकर निकलने का प्रयास किया, लेकिन ओखली दोनों पेड़ों के बीच में फंस गई। भगवान श्री कृष्ण ने जोर लगाकर उन वृक्षों के बीच से निकलना चाहा, तो दोनों अर्जुन के पेड़ जड़ से उखड़कर दोनों बगल गिर पड़े। उसी समय उन टूटे हुए वृक्षों से दो यक्ष प्रकट होते हैं और दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आपका धन्यवाद हमें नारद जी के श्राप से मुक्त करने के लिए। मैं नलकुब्र और ये मणिभद्र हैं जो नारद जी के श्राप से पेड़ बन गए थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दोनों यक्ष नारद मुनि के श्राप से मुक्त हो गए। उधर इतने बड़े बड़े वृक्षों के गिरने की आवाज सुनकर गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इतने विशाल वृक्ष कैसे गिर पड़े, यह तो आश्चर्यजनक है। मैं नदी के किनारे खेल रहा था, तब मैंने देखा कि इन वृक्षों से दो चमकदार यक्ष निकले थे। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और फिर गायब हो गए। नंद जी कृष्णा की रस्सी खोल देते हैं। इतना होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई थी और उनकी शैतानियां दिन व दिन बढ़ती गई।